हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीनिका सिस्टर्स। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम एक न्यू ब्लाउज डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसको हम अप एंड डाउन वी नेक भी बोल सकते हैं एंड डीप वी नेक भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लाइनिंग क्लॉथ है जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी हम इसकी विड्थ के हिसाब, जितनी चौड़ाई रखनी है उसके हिसाब से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 12.5 इंच है। देन हम इसकी हाइट रखेंगे 16.5 इंच। एंड ये हमारी मुट्ठी की लंबाई हमने रखी हुई है 6.5 इंच। एंड जो हमारा आर्म होल होता है उसकी लेंथ 7.5 इंच रखी गई है। तो फ्रेंड, ये हमारा आर्म होल की लेंथ है। अभी हमने ये फ्रंट एंड बैक पार्ट का निशान लगाया है। एंड ये हमारी फ्रंट प्लेट है जिसको हम डालेंगे। देन आउटर वाला पार्ट जो है वो बैक पार्ट के लिए होगा, इनर वाला फ्रंट पार्ट के लिए होगा। तो फ्रेंड, हमने ये अंदर वाला मार्क काटा है क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। एंड ये हमारा ब्रॉकेट क्लॉथ है, हमने इस पर लाइनिंग क्लॉथ को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको पिन से अटैच भी कर सकते हैं। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल आया है। फ्रेंड्स, हम फ्रंट पार्ट की नेक रेडी करेंगे। ये हमारा सेमी पोर्ट नेक है। इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिस पर नेक लाइन ड्रॉ की है। इसकी विड्थ है 2.5 एंड लेंथ है 5.5 इंच। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम नीचे की पार्ट को फोल्ड करने के लिए 2 इंच की पट्टी लेंगे। देन इसको इस पर अटैच करेंगे। ये हमने फोल्ड किया इसको एंड हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। फ्रंट पार्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इस पर पोटली बटन लगाए हैं। अभी हम बैक पार्ट स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट की लंबाई एंड चौड़ाई हम सेम लेंगे जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। बैक पार्ट में मेन हमारा नेक डिज़ाइन है, तो इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। एंड इसकी हम लेंथ रखेंगे 10 इंच और हमने ये मार्क लगाया है। अभी हम स्केल की हेल्प से एक तिरछी लाइन मार्क करेंगे। देन एक तिरछी लाइन हम नीचे मार्क करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये हमने फिटिंग मार्जिन लगाया है 2 इंच का। अभी हम इन तिरछी लाइनों पर थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे, ये ऊपर वाले पार्ट एंड नीचे वाले पार्ट पर। एंड देन इनको हम दोनों साइड मार्क कर लेंगे। अभी हम नेक लाइन की डिज़ाइन को पिनअप कर लेंगे या कच्ची सिलाई डाल के इसको कटिंग कर लेंगे। अभी हम 2 इंच की पट्टी लेंगे, इसको नेक लाइन पर अटैच करेंगे ऊपर वाले बी नेक पर। देन ये बीच में हमने कट किया और इसको अब हम पट्टी को मोड़ कर इसको सिलाई कर देंगे। ये हमारा नेक कंप्लीट हुआ ऊपर वाला। अभी देन ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे और दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। अभी दोनों पार्ट को अलग कर 2 इंच की पट्टी लेंगे और नीचे वाले पोर्शन पर इसको अटैच करेंगे।
अभी हम पट्टी को फोल्ड करेंगे एंड इस पर सिलाई करेंगे। नाउ ये हमारा बैक पार्ट का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सेम हम सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हुआ। अब इस पर हम ये प्लेट्स डालेंगे, साइड प्लेट्स। देन नीचे वाले पोर्शन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। देन वही फिर से 2 इंच की पट्टी लेकर उस पर अटैच करेंगे। अभी हमारा बैक पार्ट रेडी हुआ। नाउ हम अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए नेट फैब्रिक यूज़ किया है, जिस पर 2 इंच का बॉर्डर अटैच किया है ब्रोकेट फैब्रिक का। यहाँ पर हमारी लेंथ हमने ली है 11 इंच एंड इसकी चौड़ाई लिया है हमने 9.5 इंच। यहाँ पर ये हमने मार्जिन लगाया है 3 इंचेस का। देन अभी हम स्लीव्स का शेप देकर इसको कट करेंगे। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग हुई। नाउ हम ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा शेप लगाएंगे इसका। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। नाउ हमारा ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड स्लीव्स अटैच हो गया। अभी हम सीधे पार्ट पर ही एक कच्ची सिलाई डालेंगे। देन इसको पलट कर हम अपनी इसकी फिटिंग का सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट तैयार हुआ। इस पर भी हमने पोटली डिज़ाइन यूज़ की है एंड हमारा ब्लाउज कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।